Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये खबर आई है बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही दुख हुआ ये खबर सुन के हमको। तो हमने संतोख सिंह सुख जी से इसके बारे में बात करने का प्रयास किया। हम ये नहीं कहेंगे बाकी चैनल की तरह कि हमारी बात हो गई है, तो क्योंकि उनका फोन लगातार फॉरवर्डर आ रहा है तो वो उपलब्ध नहीं है। पुलिस के जो हमारे सोर्स हैं उनसे हमने बात की, तो उनसे बात करके हमने पूरे मामले में के क्या एक्चुअली पूरा मामला क्या है, तो ये तो जब पुलिस को संतोख सिंह सुख मिलेंगे तभी जो पूरी बातें पता करेंगे। लेकिन ये बहुत ही संगीन मामला है, तो ये मामले के बारे में मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया ये खबर बिल्कुल झूठी है या ये खबर सच्ची है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते। लेट द पुलिस डू देयर वर्क। तो क्योंकि हमारे अंदर जो शैतान है वो सभी के अंदर कब क्या करवा दे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये दरअसल मामला ये है कि उस जो विक्टिम का ये कहना है, हम उस विक्टिम का नाम यहाँ पे नहीं बता सकते, तो उस विक्टिम ने ये कहा कि उसकी एक ऑलरेडी वो एक रिलेशनशिप में थी, एक रिश्ते में थी, तो एक लक्की संधू या उर्फ रणधीर सिंह संधू के साथ उसका काफ़ी पुराना 10-12 साल का पुराना रिश्ता था। ये लगभग 40 वर्ष की महिला है। तो उन्होंने कहा कि उनकी जो रिश्ते में खटपट आ गई, लक्की संधू के साथ रिलेशन के खराब हो गए, तो फिर उनको पता चला कि वो लक्की संधू इनका जो घर है, शहनाज के पापा संतोख सिंह सुख जी का घर है जो अजीत नगर में ब्यास में, तो वो वहां पे इनके साथ में रहता है। तो उन्होंने जब संपर्क किया तो संतोख सिंह सुख जी से, तो इन्होंने उनको बुलाया कि तुम आ जाओ तो मैं तुम्हारा इनके इसके साथ समझौता करवा देता हूं। तो वो लड़की बोलती है कि वो जो मैं जब मैं वहां से अपनी एक दोस्त मित्र अपनी सीमा नाम की एक लड़की के साथ वहां पे गई, तो उसको वहां पे घर में बिठा के मुझे ये बोल के ले गए थे कि चल उसको मैं मिलाता हूं तुमको। तो वो वहां पे डेरा ब्यास की एक नदी का जो पुल है, तो वो मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाता हूं पुल की, तो वो ये जो पुल है इसके पुल के नीचे अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए और वहां पे ले जाके पुल के नीचे बिल्कुल एकांत में। वैसे भी आजकल आपको पता है कि पंजाब में लॉकडाउन था, तो बहुत ज्यादा लोग वैसे ही घर से नहीं निकलते थे, और ये पुल के नीचे वैसे भी ये सुनसान होती है, तो वहां पे ले जाके बंदूक निकाल ली और बंदूक के गन पॉइंट पे, तो उस लड़की का कहना है कि मेरे साथ संतोख सिंह जी ने बलात्कार किया है। तो ये हमारे जो अंदर के पुलिस के सोर्सेस हैं उनसे हमने पता किया, और भी हम डिटेलिंग पता कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने छापामारी भी कि पुलिस ने संतोख सिंह को गिरफ्तार करने के लिए गई, तो संतोख सिंह पुलिस को अभी तक नहीं मिले हैं, पुलिस सर्च में है। पुलिस पार्टी का उनका ये कहना है कि पुलिस को संतोख सिंह की शहनाज के पापा की तलाश है। तो दोस्तों, इस घड़ी में हम ये दुआ करेंगे कि ये खबर झूठी निकले, और ये कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि संतोख सिंह सुख को उनको क्योंकि जो है शहनाज की वजह से ही हो गया। पहले भी बहुत सारे जब आप किसी पार्टी में होते हो तो बहुत सारे आपके विरोधी भी होते हैं, कुछ ऐसा स्कैंडल भी हो सकता है उनको फंसाने का, या फिर मामला क्या है ये तो जब खबर पूरा संतोख सिंह मिलेंगे तो उसके बाद खबर रिवील होगी तो ये सामने आएगा। लेकिन फिलहाल केस जो पुलिस में धारा 376 रेप का जो मामला होता है तो उसके अंडर उनके खिलाफ ये केस वहां पे दर्ज है, पुलिस को उनकी तलाश है। लेकिन ये बहुत ही संगीन मामला है, और इस मामले में डेफिनेटली झूठा भी हो तो परेशानियां तो बढ़ जाती हैं, तो इसलिए संतोख सिंह जी के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। जाहिर सी बात है कि फादर हैं तो शहनाज भी परेशान होगी, लेकिन यहां पे शहनाज को मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि फैंस के शहनाज को इस सबसे जोड़ के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शहनाज ऑलरेडी घर वालों के साथ बहुत सारे अरसे से नहीं रह रही थी, तो ये क्या मामले है क्यों नहीं रह रही थी इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लेकिन शहनाज लगातार बिग बॉस के बाद ही थोड़े से जो मामले हैं इनके रिश्तों में सुधार आना शुरू हुआ था, तो इसके लिए इस सब को शहनाज गिल को इस सबसे अलग रख के ही देखना चाहिए। तो और कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको
इमीडिएटली शेयर करूंगा। तो हमारा पंजाब में भी एक काफी बड़ा चैनल है गल पंजाब दी, जो पंजाब की एक्सक्लूसिव वहां की जो खबरें लेके आता है। तो आप गल पंजाब दी को भी, ज्यादा उसमें पंजाबी की खबरें होती है, पंजाबी में भाषा होती है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके द्वारा भी लेटेस्ट न्यूज जान सकते हैं। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.